बिजनौर में आज मामूली सी बात पर सरकारी बस के ड्राइवर और छात्र आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से पथराव और हंगामा किया गया। सूचना पर पहुंचे जिले के एसपी सिटी और कोतवाल ने मामले को शांत कराया था। इस मामले में पुलिस के दोनों पक्ष के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच के बाद ही कार्यवाही करने की बात कह रही है। दरअसल आज बिजनौर में सरकारी बस स्टैंड और अम्बेडकर छात्रावास आमने सामने है और आज छात्रावास के सामने सरकारी बस बिगड़ गई थी जिसको ठीक कराया जा रहा था। इसी दौरान हॉस्टल के छात्रों ने बस के ड्राइवर अनिल से मारपीट शुरू कर दी। बाद में दोनों तरफ से पथराव और हंगामा हुआ। पथराव की सूचना पर जिले के एसपी सिटी ने मौके पर जायजा लिया और दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में भी लिया।